शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरी माँ हर रोज गीता पढ़ती थी, इसलिए उसने मेरा नाम गीता रख दिया। वो कहा करती थी, कलयुग में जो पाप होंगे उसमें कामुकता को महापाप का स्थान दिया गया है। कृष्ण ने कहा था, इसे कलयुग में रोक पाना कठिन है। मैं इस युग का भाग्य तो नहीं बदल सकती, पर इस सत्य को मैं अपना भाग्य नहीं बनने दूंगी। जब मैं नाबालिग थी और मेरी शादी हो गई, क्या वो पाप नहीं था? पति की मौत के बाद ससुराल को ही अपना घर समझकर हर बार अपने साथ खेलती रही, क्या वो पाप नहीं था? फिर जब अपनी रक्षा में मैंने अपने ससुर को मार दिया, तो वो पाप क्यों है? क्यों मुझे अपनी ही आत्मरक्षा के लिए जेल हो गई? इसलिए ना, क्योंकि मेरे लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं था। जब से यहाँ आई हूँ, सिर्फ यही सोच रही हूँ कि क्या गलत था और क्या सही था। फिर एक जवाब मिला कि कुछ सही और कुछ गलत नहीं होता, सिर्फ फर्क ये है कि हम उसे कहाँ से देख रहे हैं। देखो गीता, तुम सही तो नहीं थी, पर तुम्हें गलत कहना भी गलत है। अब तुम मुझे ही देख लो, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब जवान हुई। महीना शुरू होते ही बाप ने धंधे पे बिठा दिया। सोती तो मैं भी हर रोज थी किसी अजनबी के साथ, पर जिसने कोई जिंदगी देखी ही नहीं, वो दुनिया के बारे में सही और गलत का फैसला कैसे करे? मुझे तो बस इतना पता है कि बाहर की दुनिया और जेल में कोई फर्क नहीं है। वहां भी कोई ना कोई किसी का इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ भी। मैं कुछ समझी नहीं। शाम तक सब समझ में आ जाएगा। तुम सही कह रही हो ऋतु, हम सबको एक साथ ही सोना चाहिए। देखते हैं कोमल कि क्या करना है। अरे अभी तो काई नहीं। अरे जल्दी खोलो। स्वयं राम पधारे अयोध्या। वेलकम वेलकम।
दो दो दो। नमस्ते सर। हमारी विनती स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अरे ब्रजेश भाई, हम आपका ये इन्विटेशन कैसा नजरअंदाज कर सकते हैं? हम तो जनता के सेवक है, हमको तो आना ही आना है। सर आइए ना, अंदर आइए। जरूर आएंगे, निरीक्षण करने आए तो निरीक्षण करके ही जाएंगे। अरे निरीक्षण तो बाद में भी कर सकते हैं, आप इतने दूर से आए हैं, पटना से मुजफ्फरपुर। आप पहले नाश्ता पानी कर लीजिए, आराम कर लीजिए, आपका कमरा पूरी तरह से तैयार है, आइए। नाश्ते में वो सब है ना? सब सब है, एप्पल मौसम्बी। नहीं नहीं, वो तो सब होता रहेगा। मुझे ये बताइए कि आपके बाल सुधार गृह का काम, मतलब सेवा कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आइए सर, आइए आइए ना, हम आपको अंदर ले चलते हैं। चलिए। अरे कृष्ण तो सुदामा के पास आया है, आइए आइए। वाह। हम सुमन। सुमन कभी आई तू? अभी। अरे तू जाओ खेल लो, जाओ जाओ जाओ। आइए आइए प्रभु। अरे तू बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बात करना था उनसे, लेकिन क्या अच्छा काम चल रहा है देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छा विशेष। धन्यवाद। हाँ अरे वाह, बहुत अच्छा, लड़कियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जी सर, सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ। यहाँ से जब बाहर जाएं तो इन्हें किसी भी चीज की तकलीफ ना हो। आत्मनिर्भर बना रहे इन्हें। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। और ना कभी कभी ना फंड्स भी खत्म हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, अपने पर्सनल फंड से पैसा डाल देता हूँ। ब्रजेश भाई आपको कभी फंड कम नहीं पड़ेगा। आप ऐसे ही लड़कियों का ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। सो ब्यूटीफुल। ओह कितनी अच्छी बच्ची है, कितनी छोटी है, इतनी छोटी उम्र में क्या जुर्म किया है जो उसको यहाँ आना पड़ा। सब इनके मासूम चेहरे पे मत जाइए, बहुत ही पहुंची हुई चीज है ये सब। आप छोड़िए ना सर, आपके लिए नाश्ता तैयार है। ओह कितनी प्यारी लड़की है। ओह क्या हुआ बच्ची मेरे, क्या हुआ, क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ बच्ची मेरे, क्या हुआ। प्रभु आप क्यों इनॉग्रेशन की बात कर रही हैं? वो वाला। ओह हाँ, बात तो एकदम करेक्ट है, लेकिन आज मुझे रिजल्ट चाहिए। आज रिबन काटेंगे आप? क्या बात है, वो ठीक है फिर ठीक है। तुमने तो यह दुनिया ही बसा ली, बाहर की दुनिया की जरूरत ही नहीं। आपका आशीर्वाद है, आप ही का सहयोग है, आश्रित हम आपके ऊपर। चलो शरीर से पटा तो हो गया, अभी मन को तृप्ति कब मिलेगी? जोर की इच्छा पैदा कर दी तूने। इस रंगीन तितली को देखकर समझ में नहीं आता कि कौन सी तितली पर आग डालू, कौन सी तितली का रंग समझ में। एक रंग तो आपको चुनना ही पड़ेगा। या कहिए सबसे रंगीन तितली आपके लिए हाजिर की जाए। नहीं नहीं, ऐसी रंगीन तितली पटना में बहुत मिलती है, मैं सोच रहा था कि नत उतारने जैसी, थोड़ा सा मजा आने मिलता, वो इधर मिलेगा तो। कौन है भाई? सर आपकी हर इच्छा पूरी होगी यहाँ, हम उस लड़की को लाके यहाँ आपकी गोद में बैठा देंगे, आप जी भर के उसे प्यार कर लीजिएगा। नहीं लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो लड़की मेरे दिमाग से नहीं जा रही है, इतनी मासूम लड़की, इतनी प्यारी लड़की, कैसे उसको गोद में ले लो, गोद में बिठा कर उसको प्यार करो। ओ क्यों समझ में नहीं आता है, कितनी अच्छे है ना वो लड़के, यहाँ यहाँ बैठी है, मतलब वो ऐसी प्यार कर रही है। समझ गया प्रभु, आपका इशारा ही काफी है, जो हुकुम आपका। आप यहाँ आराम कीजिए, मैं यूं गया और यूं आया, चलिए। ओके जल्दी आइए।